अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कॉर्न के भजिए बनाने बताऊंगी, कॉर्न पकौड़े। इसके लिए मैंने ताज़े कॉर्न को किसने की हेल्प से ग्रेट कर लिया है, ग्रेटर की हेल्प से। हमने यहाँ पर 4 टीस्पून बेसन ले लिया है, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और जिंजर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इस सबको एक ओंडे बर्तन में डालेंगे। इसमें आपको अभी पानी नहीं डालना है, पहले हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, फिर ताज़े कॉर्न्स के अंदर भी पानी होता है। मॉइस्चराइजर होता है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें बेसन डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, मॉइस्चराइज भी कर ले। ये देखिए, ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऑनियन, चिली, जिंजर गार्लिक डाल देंगे। हम इसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारे ऑनियन में भी मॉइस्चराइज होता है, टोमेटो में भी मॉइस्चराइज होता है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने 1 से थोड़ा कम चम्मच लिया है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें चिली डालेंगे 1/2 स्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से ही ग्रीन चिली ऐड कर ली है। फ्रेंड्स, हम पहले इसे सूखा ही मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमारे पूरे सामान में थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइजर है। ये देखिए, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है, मैंने अभी 3 स्पून वाटर ऐड किया है। हम धीरे धीरे बैटर के हिसाब से ही वाटर ऐड करेंगे। हमें जैसे प्याज के पकौड़े बनाते हैं, उसी तरह से इसका बैटर इसी तरह से बना लेना है, जैसा उसका रहता है, जैसा मॉइस्चराइजर टेक्सचर, बिल्कुल वैसे ही रखना है। ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और ज़्यादा सूखा भी नहीं करना है, वो भी ठीक नहीं रहेगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बैटर बनकर रेडी है। इसमें हमें 1/2 का 1/2 पानी लगा है, मतलब 1/2 ग्लास से भी कम पानी लगा है। ये देखिए, अभी अच्छे से बैटर रेडी हो गया है। हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे तेल गर्म होने के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसके साथ हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और इस पर हम पकौड़े डालेंगे। ये देखिए, हम स्पून के हाथ से डाल रहे हैं, आप हाथ से भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हम पूरा उसमें मज़े डाल देंगे। पकौड़े हमारे पकौड़े कलरफुल बनेंगे, क्योंकि हमने इस पर कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया है, येलो, रेड, ग्रीन, वाइट। वेजिटेबल्स का कलर ही कुछ अलग ही होता है। ये देखिए, मैंने फुल कढ़ाई में मजे डाल लिए हैं।
थोड़ी देर इन्हें पकड़ देंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम इन्हें पलट देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इनको पलट दिया है, ये हमारे फ्राई होते जा रहे हैं। हम इन्हें गोल्डन बन तक पकाएंगे, फ्राई करेंगे, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसी तरह से और पकौड़े डाल लेंगे। हमें ज़्यादा ऊपर से नहीं डालना है वरना शूट उड़ेंगे और आप जलने का डर रह सकते हैं, हमें बिल्कुल नीचे से डालना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगता है, घर में ही बन जाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे दूसरी बार के फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें भी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। हमने एक बार में लगभग 7 से 8 पकौड़े फ्राई करे, आप चाहे तो इनका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पकौड़े बनकर रेडी है, हमने इसको पुदीने के और चाय के साथ सर्व करे हैं, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। इस वीडियो के लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा।